तू ऐसे नीचे नहीं जा सकती, तुझे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। मैं थक चुकी हूँ मीरा दी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो ठीक है, एक मिनट के लिए तू कमजोर पड़ जा, दिल में गुस्सा गुबार जो भी है ना, रोके सब कुछ बाहर निकाल दे, अपना जी हल्का कर ले। मैं इतनी बदकिस्मत की हूँ, प्यार शादी जैसी कोई भी खुशी मेरे हिस्से पूरी तरह क्यों नहीं आती? पहले जब मैं जैसे शादी कर रही थी तो फिरांशु से शादी हो गई मेरी, लेकिन तब मैंने किस्मत का फैसला नहीं माना, बहुत झगड़ा किया मैंने, बहुत लड़ी विरांचू से, नफरत की, उसे गलत समझा, लेकिन जब सच्चाई मेरे सामने आई तो मैंने विरांचू को अपने, मेरे विरांचू को दिल से अपना माना। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी, तो फिर किस्मत ने हमें दूर क्यों की? क्यों चली ऐसी चाल? क्यों मुझे मजबूर किया कि मैं जैसे शादी, भले ही ये झूठी शादी है, पर मुझे ये खेल नहीं खेलना, मुझे सिर्फ विरांशु की होना है मीरा दी, उसके सिवा मुझे और किसी की दुल्हन नहीं बनना। आपको पता है मेरी इस उम्र की अंगूठी विरांशु के पास है, पता है क्यों? क्योंकि वो कहता है कि वो सिर्फ मेरा है, तो फिर वो और किसी का कैसे हो सकता है मीरा? मेरा जो सिर्फ मेरा है ना, हाँ, कोई उसे कैसे छीन सकता है मुझसे? ये गलत हुआ ना, ये मीरा दी, ये गलत है मीरा दी, ये बहुत गलत है। पानी, मुझे और कमजोर नहीं पड़ना मीरा दी, हो गया मेरा एक मिनट खत्म। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते मीरा। मीरा ये सब अचानक? माँ, मैंने बोला ना आपसे, आप शांत रहो, जो करना है बानी करेगी। बानी, थैंक यू ये सब कुछ करने के लिए। मुझे तपिश ने बताया कि तुम ये दिखावे की शादी क्यों कर रही हो, वीर को बचाने का शायद यही रास्ता बचा है। मुझे हमेशा से पता था कि वो चांदनी वीर के लिए खतरा साबित हो सकती है, इसलिए मैंने वीर को इतने सालों तक उस चांद से दूर रखा, लेकिन इस पर पता नहीं कैसे तुम जानती नहीं हो कि वह वीर के साथ क्या हो सकता है। अब तो बस मैं ये मान रहा हूं कि इस दिखावे की शादी का वीर पर असर और वो वापस आ जाए। डैड, डोंट वरी डैड, ऐसा ही होगा। वीर बानी को दीवानों की तरह चाहता है और वो ये शादी कभी नहीं होने देगा, सो डोंट वरी। हाँ, क्योंकि भले इस वक्त वीर के दिमाग पर उस चांदनी का असर हो, लेकिन उसके दिल में हमेशा बानी की ही चलती है। देखना, जैसे उसे पता चलेगा ना कि पानी जय की दुल्हन बन रही है, वो सब कुछ छोड़कर वापस लौट आएगा। मुझे देख के चौंके नहीं मेरे बच्चे? ना चौंका ना डरा, क्योंकि तुम तो बानी कैद में हो ना, यानी जिंदा तो छूटोगी नहीं। रंग बदलने में तो गिरगिट को भी मात दे दी तूने। पहले तूने सबसे कहा कि तुम मेरे साथ है, फिर पाला बदल के दूसरी तरफ चला गया। अब उस आदि नागिन और वीर को भी यही लगता है कि तू उनके साथ है, जबकि तेरी असलियत, जबकि मेरी असलियत जानने के लिए तुम्हारे साथ आती है। बानी की तरफ उसकी भलाई चाहता हूँ या फिर अपनी भलाई के लिए उसका साथ दे रहा है ना? साफ साफ कह क्यों नहीं देता? बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे क्रिकेट कहा है ना, अब मैं तुम्हें अपने सारे रंग दिखाऊंगा, लेकिन सच्चाई फिर भी नहीं बताऊंगा।
चलो निकलो यहाँ से। वैसे भी शुभ काम में मनुष्य साय नहीं देखते हैं। ए, ज़बान संभाल के बात करो जय। दूल्हा किधर है? लगता है भाग गया। ये आदि नागिन मानेगी नहीं। चैन, हम अपनी शादी पे ध्यान देते हैं ना? लगता है सच में भाग गया। भागा तू था वीरांशु। मैं तो यही हूं। मीना, ये दामाद जी चांद पे कब चले गए? और वहां जाके दूसरी शादी कर रहे हैं, पर चांद पे कैसे गए? मां, मैंने कहा ना आपसे, आप शांत रहो। चलो बाने, अब वो करते हैं जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। हाँ, सुसाइड। एक नंबर का चेप। अगर चेप होने का मतलब बानी के पास होने से है, उस वक्त बानी के साथ होने से जब सबने उसका साथ छोड़ दिया, तो मुझे इस नाम से कोई इतराज नहीं। इसलिए तू चेप बोल, चेपू बोल, चेप जी बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतराज तो तुझे धरती पे बोझ पड़ने से भी नहीं है। देख अपने आसपास, देख 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 पानी को, देख तेरे पास रहने से भी उसे दिक्कत। कुछ कह रहा था, मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया। बस इतना सुना कि तू अपनी भाभी को नाम से पुकारा था, जो आगे से मत बुलाना। आगे से भाभी को भाभी बोलना। ओके भैया? अरे अरे, भैया शर्मा गए। अब आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्राहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। हाय, इस चांदनी का कोई भाई नहीं है क्या? हम भी चांद पर हुआ थे। मुझे बस इतना कहना है बानी की, बड़े भैया कुछ भी कहे, ये शादी तो होकर रहेगी। हम दोनों की शादी तुम दोनों से पहले होगी। पंडित, शॉट का मंत्र पढ़ो, मुझे इन्हें अपनी शादी दिखानी है, जल्दी। अरे नहीं पंडित जी, आप आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं। जी, क्योंकि मुझे रिश्ता जन्मों तक निभाना है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मंत्र छूटे। बाकी चांद के बराती अपनी शादी करके हमारी शादी तो देख ही लेंगे। हाँ चल चल, जैसे मुझे बहुत पड़ी तेरी शादी देखने की। बड़ा आया शादी दिखाने वाला। मेरी ना सही, पानी की शादी तो देखेगा, उसकी बधाई तो देखेगा तू। थैंक यू जय। डैड, डैड डोंट वरी, हमारा ये प्लान काम कर रहा है। ये जो पानी की झूठी शादी है, इससे सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस वीर की चिंता है, उसके साथ क्या होगा बस यही सोच रहा हूँ। डैड, कुछ नहीं होगा वीर को, आप जानते हैं ना उस औरत ने जादू कर रखा है उस पे, और वीर ये शादी रोकने वापस आ जाएगा। नहीं नहीं तपिश, तू नहीं जानते कि वहाँ वीर के साथ क्या हो सकता है। मतलब वीर के साथ क्या हो सकता है? कुछ नहीं, वो
वीर को ऐशो आराम की जिंदगी की आदत है और वो चांदनी पल पल पे उसकी सारी ख्वाहिशें सारी इच्छाएं पूरी कर रही है बस ये। तो क्या हो गया? आपने देखा था ना जब जय ने बानी से शादी की बात की तो वीर का चेहरा कैसे उतर गया था, वो जेलस हो रहा था। हाँ रेड, वो हर हाल में इस शादी को रोकने आएगा। वो आएगा पर कैसे आएगा? क्या बन? क्या बन मतलब? आपको छुपा रहे हैं हमसे। क्या बात कर रहे हैं? डैड आखिर